5 मिनट में दोस्तों इस तरीके का बिल्कुल गर्म पानी आप भी यूज कर सकते हो, सिर्फ 5 मिनट में और बिना किसी रिस्क के। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है, तो अभी हम लोग इस केटल को गर्म पानी के लिए किस केटल को फिट करने वाले, ये देख सकते हैं आप। ये 20 लीटर का कैन है हमारे पास में इस तरीके का। तो इसमें हम लोग फिट करेंगे, ये हमारा 2000 वाट का केटल है। तो इसको कैसे फिट किया जाता है दोस्तों, और अच्छे तरीके से कैसे फिट किया जाता है जिससे कि ये करंट भी ना मारे और जल्दी से ख़राब भी ना हो, तो फुल जानकारी आपको दे देता हूँ दोस्तों। और कैसे फिट करना है सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की टेक्निकल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलते हैं वीडियो में दोस्तों। 20 लीटर की कैन में हम इसको यूज करने वाले हैं। और दोस्तों ये है हमारे पास 2000 वाट का एलिमेंट। तो दोस्तों 2 किलो वाट का, ये 2000 वाट का इसको हम बोलेंगे। और ये प्योर कॉपर में है, आपको भी प्योर कॉपर में ही यूज करना है, जिससे कि कभी कम पानी पर भी और ज़्यादा देर लगा रह जाए तब भी कोई दिक्कत ना आए और ख़राब होने का कोई चांस ना रहे। तो फ्रेंड्स इसको बाहर निकाल लिया है हमने, इसका गारंटी कार्ड हो गया। गारंटी कार्ड के साथ में फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरीके का ये एलिमेंट होगा। तो इस एलिमेंट को हम फिट करने वाले हैं फ्रेंड्स अपनी जो 20 लीटर की कैन है उसमें। और दोस्तों कितनी देर में, दोस्तों सबसे पहले फ़िट करते हुए हमें देखना होता है, ये देखिए इसका ये पॉइंटों पर हमें इनपुट देना होता है, जो 225 वोल्टेज इनपुट इस पे देना है। और फ्रेंड्स इसका जो ये चेकनट हो गया, सबसे पहले इसको उतार लेते हैं तब आपको दिखाएंगे। इस तरीके का एक चेकनट होता है दोस्तों, इसमें वीडियो थोड़ा पीछे से बनाना पड़ेगा मेरे को दूर से, तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके का इसको अंदर लगे रहने देना है और अंदर की तरफ से लगा करके इसको, और कैसे फिट करना है वो सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। दोस्तों सबसे पहले इतना बड़ा एक सुराख कर लेते हैं हम। ये सुराख लगभग दोस्तों 4.75 इंची का साइज होगा इसका। ये हमने जो 1 इंची का हमारे यहाँ पर पाइप होता है, किसी भी 1 इंची के पाइप से दोस्तों इसको किया जा सकता है। इसका साइज़ देख लेना है दोस्तों, एक बार बाहर से लगा करके इसको देख लेना है। अगर यहाँ पर ये आ रहा है थोड़ा टाइट आएगा, लेकिन इस तरीके से अगर आ रहा है तो इतना बड़ा हमको इसमें एक सुराख करना है। और सुराख के साथ साथ में फ्रेंड्स अभी हम इसको लगा देते हैं। अभी अंदर की तरफ से हम इसको खींचेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ठीक अपोजिट साइड में, ठीक अपोजिट साइड में हमें एक इतना बड़ा सुराख करना है जिसमें कि हमारा जो बाल होता है, जो नल होता है, नल की टोटी होती है, उसको हमें इस साइड में खींचना है। तो उसके हिसाब से हमको इसमें फ्रेंड्स का 1/2 इंची का साइज़ रहना है, जो हमारा इस तरीके का कोक होता है, मतलब टोटी जो होता है उस तरीके का, इतना ही साइज़ इसमें रखना है फ्रेंड्स। इसके अंदर से हमें एक सॉकेट खींचना है तो ये आसानी से चला जाए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, लीकेज का चांस हो जाता है अगर टाइट होगा तो। फिर इस तरीके का सॉकेट इसमें अंदर से टाइट करना है और लीकेज का कोई चांस नहीं रहेगा फिर। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा इतना काम करना है आपको। इस सॉकेट को हम अंदर की तरफ से उसमें खींच देंगे और यहाँ से फ्रेंड्स इस तरीके से थोड़ा टाइट होना चाहिए, मतलब इतना लूज नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ इसको, ये इस तरीके से लगाएंगे हम कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अंदर से पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा दबाना पड़ेगा और उसके बाद में इसको आसानी के साथ में इस तरीके से ये अंदर की तरफ चला जाएगा जब इसको घुमाते रहेंगे। अंदर की तरफ से दोस्तों इसमें सॉकेट टाइट कर देना, जिसकी वजह से लीकेज का कोई भी चांस ना रहे। इस तरीके का सॉकेट जिसमें एक तरफ चूड़ी होंगी और एक तरफ से प्लेन होगा। तो इसको हम यहाँ से टाइट कर देते हैं अभी। इसको टाइट करने के बाद में फ्रेंड्स ये काम तो हो जाता है हमारा ख़त्म। अब हमें इसमें केटल फिट करना है, तो केटल को फिट करते हुए क्या सावधानियाँ बरतें हैं जिससे कि दोस्तों करंट ना मारे। केटल को दोस्तों जो हमारी ये टोंटी लगी हुई है इसके सुराख से हल्का सा नीचे रखना है, जिससे कि उसमें पानी बना रहे हमेशा और बिना पानी के ना चले और ख़राब भी ना हो। तो इसके लिए हमें इसको हल्का सा उसके साइज से थोड़ा नीचे रखना है हमेशा की। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको टाइट करते हैं यहाँ से इस तरीके से। इसको दोस्तों इस घुमा घुमा के भी आप टाइट कर सकते हैं, प्लस इसको इस तरीके से और थोड़ा सा ऊपर प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें इसका जो ऊपर से लॉक नट है उसको टाइट करेंगे और अभी थोड़ा सा इसको घुमा करके भी थोड़ा ऊपर हम कर सकते हैं। इस तरीके का एक बासर ऊपर से लगाना है, इस टाइप का जो ओरिंग है इसको ऊपर की तरफ से लगाएंगे, अंदर की तरफ एक रबड़ का ओरिंग लगा हुआ है इसमें जो लीकेज नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी अगर लीकेज का चांस रहता है तो इस तरीके का ओरिंग हम लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब हमें उसको धीरे धीरे घुमाना है। ठीक है, अंदर की तरफ से अगर ज़रूरत पड़े तो घुमाना पड़ेगा, नहीं तो फ्रेंड्स इस तरीके से ही आप ये हो जाएगा। अब फुल टाइट करना है इस तरीके से इसको। ठीक है, अंदर से एक हाथ से रोक लेना है उसको और इसको फुल टाइट करना है। अब फ्रेंड्स इसमें
किस बात का ध्यान रखना है कि दोनों पॉइंट कहीं पर भी टच नहीं होने आपस में, ना ही बॉडी पे टच होने और ना ही बीच वाले पॉइंट पे टच होने, जिससे कि करंट का कोई चांस ना रहे। तो इस तरीके से हम इसका कनेक्शन लगा रहे हैं। कनेक्शन से पहले दोस्तों एक काम कर लेना है आपको कि इसका जो कैप है ना, ये तो कैप के अंदर में इसको पहले से वायर को निकाल लेना, फिर नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है अगर बाद में आप इस तरीके से करेंगे तो, क्योंकि पीछे अगर आपका थ्री पिन टॉप लगा हुआ है तो ये उसमें पास हो नहीं पाएगा। इस तरीके से आप पहले ही इसको पास कर सकते हैं। अब इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अच्छे से टाइट करने के बाद में फ्रेंड्स इसको थोड़ा ढीला करके लगाना पड़ेगा, ये पहले से ही बहुत टाइट है। तो अभी इधर का भी इसको टाइट किया और अभी इसको भी और टाइट करने के बाद में इसका जो ऊपर से फ्रेंड्स कैप लगा हुआ है, सेफ्टी कैप लगा हुआ है, उसको फिर से लॉक करेंगे। और लॉक करने के बाद में जो उसके बाहर से एक नट लगा हुआ है छोटा, उसको लगा देंगे और फिर ये यूज करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इसको यहाँ पर लगाएंगे हम, ये इस तरीके से हम इसको यहाँ पर फंसाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नट लगेगा फ्रेंड्स, बस इस तरीके से, और ये एकदम कंप्लीट हो गया है। तो अभी इसको हम यूज करके भी देखेंगे और यूज करने के बाद में फ्रेंड्स इसमें ना तो लीकेज का चांस रहा है इस टाइम और ना ही करंट मारने का चांस रहा है, जब तक कि ये रोड कभी बिना पानी के ना चल जाएगा और पूरा हिट ना हो जाएगा तब तक इसमें करंट का कोई चांस नहीं है फिलहाल में। अब ये यूज होने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अभी हम इसको यूज करेंगे एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये वायर आप मेन पावर सप्लाई पे दे देंगे और उसके बाद में इसको आसानी के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल एकदम रेडी है हमारा प्रोजेक्ट। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों इसको कैसे तैयार किया, समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।